विपक्ष के नेताओं ने कहा कि वे मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हैं और उनके दौरे का उद्देश्य राज्य में शांति स्थापित करने में मदद करना है। हालांकि इस दौरान सियासी बयानबाजी भी होती रही और विपक्षी नेता पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए सुनाई दिए। ही इज मूविंग ऑल ओवर द कंट्री, ही इज मूविंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट ही इज अफ्रेडिंग फ्रॉम कमिंग टू द इंडियन पार्लियामेंट। मणिपुर के हिंसा से प्रभावित इलाकों का दौरा करने और लोगों से मुलाकात करने से पहले विपक्ष के नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर सियासी हमला भी बोला। मणिपुर के अंदर जो दंगे हो रहे हैं, मणिपुर के अंदर जो हत्याएं हो रही हैं, मणिपुर के अंदर जो बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया गया, इसकी चर्चा करने के लिए लगातार हम संसद के अंदर कोशिश करते रहे, परंतु केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है ना, उन्होंने वहां पे चर्चा अलाउ की और ना ही मणिपुर के अंदर ये बीजेपी की सरकार इस वायलेंस को रोक पाई। विपक्ष के नेताओं ने केंद्र सरकार को नसीहत दी कि वो मणिपुर के हालात पर गंभीरता दिखाए। INDIA गठबंधन के डेलीगेशन के मणिपुर दौरे पर बीजेपी ने सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीधे सीधे कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी पर हमला बोला और सवाल किया कि क्या वो पश्चिम बंगाल भी आएंगे। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के मणिपुर दौरे को ढोंग करार दिया। पश्चिम बंगाल की महिलाओं के साथ जो आपराधिक घटनाएं हुई, उनकी जो हत्याएं हुई, चुनावों में जिन लोगों को मारा गया, जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को गवाया, क्या कांग्रेस और विपक्षी दलों के लोग पश्चिम बंगाल आएंगे। अनुराग ठाकुर के आरोपों पर मणिपुर पहुंचे RJD सांसद मनोज झा ने पलटवार किया। अगर नरसंहार वाली परिस्थिति भगवान न करे कहीं हो, अगर होगी तो वहां भी जाएंगे, लेकिन अभी इस तरह के बयान पे मैं कहना चाहूंगा, गेट वेल सून, आप लोग बीमार हो रहे हैं। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी राज्य में शांति बहाली के लिए एक्टिव दिखी। आज उन्होंने चूड़ाचांदपुर के राहत केंद्रों का दौरा किया और जमीनी हालात को जाना। इस दौरान राज्यपाल पीड़ित परिवारों से भी मिली और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाती दिखी। जिन जिन परिवारों को जो भी नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, उन सारे लोगों को उसका कंपनसेशन भी दिया जाएगा। आप चिंता नहीं करिए, हाउस नया न्यू हाउस बनाकर भी गवर्नमेंट की तरफ से आगे फ्यूचर में दिया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि वो इस बात की पूरी कोशिश कर रही हैं कि शांति बहाल करने के लिए दोनों समुदायों के लोग एक दूसरे से बात करें। उन्होंने मणिपुर के दौरे पर आए विपक्ष के सांसदों से भी राज्य में शांति लाने में मदद करने की अपील की। वो जो लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर देखने आ रहे हैं पीस लाने के लिए, और उनसे भी मैं यही कहूँगी कि आप यहाँ की जनता और यहाँ की जो स्थिति है उसमें पीस लाने के लिए आप सबका सहयोग मिले, मैं उनसे भी यही प्रार्थना करती हूँ। इस बीच मणिपुर में दो महिलाओं के साथ हुई हैवानियत के मामले में CBI का एक्शन शुरू हो गया। CBI ने इस मामले में कल देर रात केस दर्ज कर लिया। इस मामले में मणिपुर पुलिस अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस बीच आज मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मैतेई समाज ने बड़ा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में मैतेई महिलाएं सड़कों पर निकली। इस दौरान महिलाओं ने शांति की अपील की। प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों ने मांग की कि कुकी समुदाय के लिए अलग से कोई नियम ना बनाया जाए और मणिपुर की अखंडता को कायम रखा जाए। प्रदर्शनकारियों ने NRC लागू करने, अप्रवासियों को नागरिकता ना देने की भी मांग की है। दरअसल मैंने मणिपुर में मैतेई और कुकी समाज के बीच जातीय संघर्ष चल रहा है। मणिपुर हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद पूरा बवाल बढ़ा जिसमें कि मैतेई समाज को भी ST का दर्जा देने की बात कही गई थी। इसी को लेकर दोनों समाज के बीच हाई और बढ़ गई, हिंसा हुई और मैतेई समाज ये मांग कर रहा है कि जो म्यांमार की ओर से कुकी आ रहे हैं वही इस हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। म्यांमार की ओर से आने वाले जो बाहरी कुकी हैं वो हथियारबंद आतंकवादी हैं और मणिपुर में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। मणिपुर के मुद्दे पर जब संसद में विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का मन बनाया तो कांग्रेस ने अपने नए गठबंधन के सभी सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया। लोकसभा में कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने इसे पेश किया। इस वजह से गठबंधन में कोई दरार ना हो इसलिए मणिपुर के हालात जानने के लिए पहुंची टीम में विपक्षी गठबंधन INDIA के कुल 21 सांसदों को शामिल किया गया, जिनमें कांग्रेस के 4 सांसदों के अलावा JDU के 2 सांसद शामिल किए गए। ममता बनर्जी की पार्टी TMC से 1 सांसद तो DMK से भी 1 सांसद ही प्रतिनिधिमंडल में शामिल किए गए। इसी तरह RLD से 1 सांसद, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से 1, आम आदमी पार्टी से 1 सांसद के अलावा दूसरे विपक्षी दलों के 10 सांसद मणिपुर के जमीनी हालात और बिगड़े माहौल की वजह जानने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल किए गए हैं। यूपी के कन्नौज में मोहर्रम के जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के 2 गुट आमने सामने आ गए। पूरा विवाद जुलूस में शामिल हुए बैंड वालों को इनाम देने को लेकर शुरू हुआ।
जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। शुक्रवार रात को शहर के अहमदी टोला मोहल्ले में हुए इस विवाद की तस्वीरें कैमरे में भी कैद हो गईं, जिसमें कुछ युवक पत्थर फेंकते नजर आए। मामला पथराव पर ही नहीं रुका, बल्कि कुछ देर बाद दोनों गुटों में हाथापाई भी होने लगी और एक दूसरे पर लात घूंसे चलने लगे। इस दौरान जिसके हाथ में जो लगा उसी से दूसरे पक्ष पर हमला करने लगा। दूसरे पक्ष में डंडों और कुर्सी से भी वार किया गया। मारपीट करने वालों की पहचान ना हो सके इसलिए उपद्रवियों ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया। कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों में पहले से रंजिश थी, जो बैंड वालों को इनाम देने की बात पर और बढ़ गई। फिलहाल पूरे इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। मारपीट में शामिल चार लोगों को हिरासत में लेने की बात भी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में शुक्रवार को निकले मोहर्रम के जुलूस में बड़ा हादसा होते होते बचा, जब कुछ आवारा सांड लड़ते हुए जुलूस में घुस गए, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया और जुलूस में शामिल लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। दरअसल जब जुलूस निकल रहा था तभी चार से पांच सांड लड़ते हुए उसमें घुस गए। इस दौरान जुलूस में चीख पुकार मच गई और लोग बचने के लिए भागने लगे। जब इन सांडों को निकालने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ लोगों पर हमला भी कर दिया। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। इस दौरान कुछ लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए सांडों को जुलूस से बाहर निकाला। सांड की चपेट में कुछ लोग भी आ गए लेकिन उन्हें मामूली चोट आई। सांडों के जुलूस में घुसने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसी जुलूस में एक और हादसा होते होते बचा। दरअसल जुलूस में शामिल कुछ लोग एक खुली जीप में सवार थे। इसी दौरान स्पीड ब्रेकर आने से जीप में झटका लगा और खचाखच भरी जीप में खड़े कुछ युवा गिरते गिरते बचे। जुलूस में चल रहे वॉलंटियर्स ने इन युवकों को गिरने से बचाया और फिर से इन्हें जीप पर सवार किया। झारखंड के बोकारो में मोहर्रम का ताजिया निकालने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 13 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिनमें 4 की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब ताजिया 11,000 वोल्ट के तार से टकरा गया। घटना खेतको पंचायत की है, जहां सुबह जुलूस के साथ ताजिया निकाला जा रहा था। जब ताजिया एक हाईटेंशन तार के नीचे से गुजरा तो उसे ले जा रहे लोग कुछ देर रुके। इस दौरान एक शख्स ने बांस की मदद से तार को ऊपर किया ताकि ताजिया आसानी से पार हो जाए। चश्मदीदों के मुताबिक इस दौरान बांस से तार स्लिप हो गया। इसके बाद तार ताजिए को छू गया और धमाके की तेज आवाज सुनाई दी। कहा जा रहा है कि जैसे ही ताजिया हाईटेंशन तार में टकराया, जुलूस के लिए रखी बैटरी में ब्लास्ट हो गया और 13 लोग झुलस गए। इसके अलावा कई लोगों को भी करंट लगा। बांस से हम लोग ऊपर तार को करके ताजिया को पार कराते हैं, तो जो तार को ऊपर कर रहे थे लोग, उनसे बाय मिस्टेक बांस स्लिप कर गया और तार जो है वो ताजिया में आके सट गया। हादसे में घायल हुए लोगों को प्राथमिक इलाज के लिए डीवीसी अस्पताल बोकारो में भर्ती कराया गया, जिसके बाद गंभीर रूप से झुलसे लोगों को बेहतर इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल रेफर कर दिया गया। बिहार के कटिहार गोलीकांड को लेकर पुलिस ने बड़ा दावा किया है। कटिहार में प्रदर्शन के दौरान मौत पर प्रशासन ने पुलिस की गोली से मौत के आरोप को खारिज कर दिया है। पुलिस का दावा है कि दो लोगों की मौत पुलिस की गोली से नहीं बल्कि अज्ञात व्यक्ति की गोली से हुई है। यूपी में दिल्ली देहरादून हाईवे पर स्थित एक मंदिर और आश्रम को अतिक्रमण के तहत हटाया गया। जिला एसडीएम के मुताबिक आश्रम के मालिकों को पहले ही अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दे दी गई थी। मध्य प्रदेश के सतना में दुष्कर्म के आरोपी के घर पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा। आज सुबह बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम आरोपी रवि के घर पहुंची और मकान तोड़ने की कार्रवाई की। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक आरोपी पेट्रोल पंप कर्मचारियों को लूटने की वारदात में शामिल था। दिल्ली से जम्मू जा रही राजधानी एक्सप्रेस में बम की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। ट्रेन को सोनीपत रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया, जहां बॉम्ब स्क्वाड ने पूरी ट्रेन की तलाशी ली। तसल्ली होने के बाद ट्रेन को आगे रवाना किया गया। Z News.